पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक स्पेस को देख ही लेते हैं, क्योंकि पीएसयू बैंक कल भी चल रहे थे, इस वक्त भी अगर आप देखेंगे कैनरा बैंक, आईओबी, इंडियन बैंक, ये सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन दिख रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक तो टॉप परफॉर्मिंग है ही, जम्मू एंड कश्मीर बैंक को भी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। वहीं SBI के काउंटर और एक्सिस बैंक के काउंटर यहाँ पर भी हरे निशान के साथ। तो फिर हैवी वेट्स हो या फिर छोटी मझोली बैंक्स हो, हम देख रहे हैं एक मूवमेंट यहाँ पर बिल्ट हो रहा है। जी हमांशी, बिल्कुल। देखिए, बैंकिंग सेक्टर एक्चुअली वाज द फर्स्ट वन दैट यू नो गेव अ ब्रेकआउट। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इट विल नॉट बी अ बैड आइडिया टू यू नो स्टे विद द बैंक्स। अब जिस तरीके का हम यू नो ग्लोबल वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, और देखिए कल का जो FOMCG का मिनट्स अनाउंस हुआ है, उसमें उन्होंने अभी भी कहा है कि दैट द ग्लोबल स्ट्रेस इज नॉट आउट ऑफ द वे ऑन द बैंकिंग सिस्टम। तो इसके चलते मेरा सजेशन बस ये रहेगा कि आप बैंकिंग सेक्टर में बने रहिए, लेकिन यू नो स्टिक विद द टॉप नेम्स, बिकॉज जो यू नो मिड कैप बैंक्स हैं, जो छोटे नाम हैं, उनमें आप देखेंगे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर हमें टॉप पिक्स लेने हो तो HDFC एंड ICICI फ्रॉम द प्राइवेट स्पेस एंड बैंक ऑफ बड़ौदा एंड SBI फ्रॉम द PSU स्पेस, ये कुछ स्टॉक्स होंगे जो मेरे रेडार पे होंगे। अब आज ही आज देखिए इन बैंक्स में पॉजिटिविटी है। SBI की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिविटी है, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस है, विच इज यू नो 535 के जो जोन्स हैं, ठीक उसके पास ट्रेड कर रहा है। तो इसमें मोमेंटम आप देखेंगे जब 535 को क्रॉस कर जाएगा, फिर आप यू नो एक क्लियर मूव देख सकते हैं अप अंटिल 550 लेवल्स, जहां पे इसका 200 डे मूविंग एवरेज भी बन रहा है। सो गिवन द वॉलिटिलिटी एंड गिवन द काइंड ऑफ यू नो रन दैट वी ऑलरेडी सीन, इट्स नॉट अ बैड आइडिया कि आप यू नो प्राइवेट जो ये बड़े बैंक्स हैं, द टॉप फोर दैट आई हैव नेम, इनके साथ बने रहें। SBI में अगर आप एक फ्रेश एंट्री लेते हैं तो 520 के जो जोन्स हैं, इनको अपना स्टॉप लॉस बना के चले। ठीक है, ऑल राइट। तो SBI पर आपका ये एक व्यू है, लेकिन HDFC बैंक के नंबर्स आने हैं और कल बाजार बंद है, इस वीकेंड पे नंबर्स आने हैं। हालांकि आप ऑपरेशनल अपडेट, उनके जो बिजनेस अपडेट्स आए थे उसमें तो उन्होंने एक दमदार पिक्चर दिखाई थी और उसके बाद स्टॉक चला भी था। क्या मूव हो चुकी है, फैक्टर इन कर चुका है बाजार अच्छे नंबर्स, या ट्रेड अभी बंद है? प्रशांत, HDFC बैंक को कैसे ट्रेड करें? प्रियंका, जहां तक HDFC बैंक स्पॉट प्राइस की बात करें, हम 1700 के करीब, क्योंकि इमोशनली बहुत बड़ा नंबर है, वहां पे पहुंच है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्रेश बाय तो बनता नहीं है, क्योंकि बहुत स्ट्रेस है। मेरे हिसाब से अगर आपके पास पोजीशन है तो आप करीबन 1675 और 1680 के बीच ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रख के बने रहो। 1700 पे आने पे मेरे हिसाब से बुक कर लीजिए, क्योंकि वीकेंड पे इवेंट है, इट्स अ लॉन्ग वीकेंड। तो इवेंट पे आपके पास अगर डिसेंट प्रॉफिट है तो डोंट रिस्क इट, टेक इट होम और मंडे को आप फ्रेश राय ले सकते हैं। ठीक है, चलिए HDFC बैंक पर नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी पर राय ले लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या मूव दिख रहे हैं आपको, और इनफैक्ट जितने भी दूसरे स्मॉल मिड कैप स्पेस बैंक्स हैं वहां पर भी मूव है। किरण, अगर बैंक निफ्टी पर कोई कॉल लेनी हो तो आप क्या लेंगे? निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें तो डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग है। जैसे मॉर्निंग में भी हमने बताया था कि 41,500 जब तक होल्ड है तब तक मेरे हिसाब से देर आर वेरी गुड चांसेस कि 41,800 तक हम जा सकते हैं। सो ऑलमोस्ट स्पॉट निफ्टी अगर आप देखोगे तो 41,760 750 के आसपास ट्रेड कर रही है। सो करंट मार्केट प्राइस से तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेटिंग वॉच करेंगे, क्योंकि 41,800 एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर वो क्रॉस नहीं कर पाया तो चांसेस है कि हम थोड़ा फॉल बैक हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से डिप का वेट कीजिए। अगर 41,600-500 के आसपास आपको मिलता है तो वहां पे आप लॉन्ग कीजिए। आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 41,400 का करना है, और जो टारगेट रहेगा वो 41,800-42,000 वहां तक आ सकता है। तो आज एक्सपायरी भी है, तो मेरे हिसाब से ये 300 पॉइंट की रेंज में ही मार्केट कंसोलिडेट होगा। आइदर साइड जब तक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं आता है तब तक मेरे हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। तो या तो आप डिप की वेट कीजिए, अगर आपको बाई कर रहे हैं तो 41,600 के आसपास आप लॉन्ग कर सकते हो, या तो फिर आप 41,800 क्रॉस हो जाए उसके बाद बाई कीजिए, नॉट एट करंट मार्केट प्राइस। ऑल राइट।